ओके सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सभी गेमर्स की तरह मुझे भी हर साल नवंबर का काफी बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि हर साल नवंबर में काफी बड़े गेमिंग टाइटल्स रिलीज होते हैं और इस साल नवंबर में भी काफी बड़े टाइटल्स रिलीज होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 न्यू पीसी गेम्स रिलीजिंग इन नवंबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर 5 पर आता है गॉडफॉल। गॉडफॉल एक थर्ड पर्सन एक्शन रोल प्लेइंग गेम है जिसको काउंटर प्ले गेम्स ने डेवलप किया है, जो कि सिंगल प्लेयर मोड और मल्टीप्लेयर मोड में खेला जा सकता है। ये गेम अनरियल इंजन 4 पर बेस है और इस गेम को सेट किया गया है काफी हाई फैंटेसी वर्ल्ड में, जो कि डिवाइडेड है 5 पार्ट्स में, अर्थ, वाटर, एयर, फायर और स्पिरिट। इस गेम में प्लेयर एज एग्जाल्टेड नाइट प्ले करता है, जिसकी कहानी एक धोखे से शुरू होती है और वो आगे गेम में मेजर एपोकैलिप्टिक इवेंट को रोकता है। इस गेम के एनवायरमेंट और कॉम्बैट स्टाइल को देखकर मुझे मेरे एक काफी फेवरेट गेम की याद आती है, जिसका नाम है डार्कसाइडर्स। और जो भी मेरी तरह डार्कसाइडर्स गेम के फैंस होंगे उनको ये गेम काफी पसंद आने वाला है। तो ये गेम पीसी और PS5 पर रिलीज होने वाला है नवंबर 12 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 4 पर आता है डर्ट 5। डर्ट 5 एक रेसिंग गेम है और जैसे आप सभी को पता है कि डर्ट सीरीज जो है ऑफ रोड रेसिंग पर फोकस करती है, और डर्ट 5 भी ऑफ रोड रेसिंग पर ही फोकस किया गया गेम है। इस गेम में आप और भी इवेंट्स देखेंगे, जैसे कि रैली क्रॉस, आइस रेसिंग, स्टेडियम सुपर ट्रक्स एंड ऑफ रोड बगीस। इस गेम में इवेंट्स काफी खूबसूरत लोकेशंस पे कंप्लीट होते हैं, जैसे कि एरिजोना, ब्राजील, मोरक्को, चाइना, इटली, न्यूयॉर्क सिटी एंड नॉर्वे। इस गेम की खास बात यह है कि गेम डायनामिक वेदर सिस्टम और सीजन पर बेस्ड है, जो कि रेसिंग के वक्त इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप आइस रेसिंग में विंटर मंथ्स के दौरान ही कर सकते हैं। डर्ट 5 को आप करियर मोड में भी खेल सकते हो, जहां पर आपको आपके राइवल ब्रूनो डुरांड के साथ कई सारी चैंपियनशिप सीरीज में कम्पीट करने का मौका मिलता है। ये एक नैरेटिव फोकस्ड करियर मोड है, जिसमें कि मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छी स्टोरी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। डर्ट 5 पीसी पर रिलीज हो रहा है नवंबर 6 को। तो अब लिस्ट में नंबर 3 पर आता है एक बहुत ही जबरदस्त गेम, असैसिन्स क्रीड वैलहैला। और असैसिन्स क्रीड सीरीज के बारे में तो सभी जानते हैं। Ubisoft Assassin's Creed के हर नए इंस्टॉलमेंट रिलीज के साथ इस गेम का स्तर इतना बढ़ा देता है कि उसके फैंस हर बार काफी खुश होते हैं। और इस बार Assassin's Creed गेम को Ubisoft ले चला है वाइकिंग्स के बीच में। इस गेम का जितना भी गेम प्ले और ट्रेलर हम लोगों ने देखा है, उससे इस गेम में काफी हद तक गॉड ऑफ वॉर के वाइब्स आते हैं। इस गेम में आप एवोर की स्टोरी प्ले करते हो, जिसको आप एज अ फीमेल या मेल कैरेक्टर इस गेम में प्ले कर सकते हो। और कैरेक्टर सिलेक्शन की इस गेम में खास बात यह है कि आप गेम के दौरान किसी भी वक्त अपना कैरेक्टर मेल या फीमेल में स्विच कर सकते हो। इस गेम में आप एक वाइकिंग रेडर हो और ये गेम उस फिक्शनल स्टोरी को दर्शाता है जिसमें वाइकिंग्स ने ब्रिटेन पर कब्जा किया था। गेम के ग्राफिक्स हर बार की तरह काफी प्रॉमिसिंग दिखते हैं और गेम का कॉम्बैट सिस्टम इस बार काफी ब्रूटल होने वाला है। ये गेम भी असैसिन्स क्रीड के उन टाइटल्स की तरह ही लगता है, जिसे खेलने के लिए कई गेमर्स को अपना पीसी अपग्रेड करना पड़ता है। वेल, गुड न्यूज ये है कि मार्केट में कई सारे नए ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च होने वाले हैं, तो हो सकता है इस गेम का भी पूरा मजा लेने के लिए आपको भी अपना ग्राफिक्स कार्ड या अपना पीसी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ सकती है। ये गेम पीसी पर रिलीज हो रहा है नवंबर 10 को। तो अब हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर आता है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर। ये गेम एक फर्स्ट पर्सन एक्शन शूटर वीडियो गेम है। ये गेम 6th इंस्टॉलमेंट है ब्लैक ऑप्स सीरीज का और 17th इंस्टॉलमेंट है ओवरऑल कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज का। इससे हमें ये अंदाजा होता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज कितनी बड़ी है। कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर सीक्वल है 2010 के कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स गेम का। ये गेम 1980s के कोल्ड वॉर के एक्चुअल इवेंट्स को दर्शाता है। वेल, इसकी स्टोरी लाइन को लेके ऑलरेडी काफी कॉन्फ्लिक्ट्स और कंट्रोवर्सीज होने लग गई है, क्योंकि काफी सारे जानकारों का ये मानना है कि इसके एक्चुअल इवेंट्स हिस्ट्री से थोड़े अलग है। इस गेम के कैंपेन में आप एक CIA ऑफिसर रसल एडलर का रोल प्ले करते हैं। इस गेम को आप कैंपेन मोड, मल्टीप्लेयर मोड और ज़ॉम्बीज मोड में कंप्लीट कर सकते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर पीसी पर आ रहा है नवंबर 13 को। अब हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर आता है साइबरपंक 2077। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साइबरपंक 2077 पिछले 7 साल से डेवलपमेंट में है और हर बार इसका रिलीज डेट अनाउंस होता है और पता नहीं किसी रीजन की वजह से वो पोस्टपोन हो जाता है। खैर, इस बार जो इसका रिलीज डेट आया है वो आया है नवंबर 19 और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये पीसी पर नवंबर 19 को ही रिलीज हो, ताकि मेरी तरह जो लोग इस गेम के इंतजार में बैठे हैं उनको ये गेम खेलने का मौका मिल सके। साइबरपंक 2077 एक सिंगल पर्सन एक्शन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है, जिसको डेवलप और पब्लिश कर रही है CD Projekt। CD Projekt वही कंपनी है जिसने विचर सीरीज को बनाया और पब्लिश किया था, और CD Projekt एक ऐसी कंपनी है जो
जितना ज्यादा अपने गेम को डिले करती है उतना ज्यादा बेहतरीन गेम वो हम लोगों को देती है। जैसे कि द विचर 3 जिसने कई सारे अवार्ड्स जीते और आज भी वो टॉप गेम्स की लिस्ट में बना हुआ है। आगे वीडियो में आपके लिए दो बोनस गेम्स है जो कि नवंबर में ही रिलीज होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से दबा दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे लेता हूँ विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में।